हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मकर संक्रांति आने वाली है तो मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ खिचड़ी की, जो कि बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को सब कि हम कम चीज़ों में जो हमारे घर पर अवेलेबल है हम उन्हीं से कैसे झटपट बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने ली हूँ अरहर की दाल आधी कटोरी, और दलिया ली हूँ, और हरी मटर, गोभी ली हूँ, इसको भी मैंने सब चीज़ों को धो करके पहले से ही रख लिया है। और ये देखिए, चावल को भी मैंने पहले से ही धो करके रख लिया है। और हमें चाहिए एक बड़ी साइज की प्याज, इसको भी मैं काट करके रख लूँगी, और एक टमाटर, इसको भी मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, और दो हरी मिर्च, इसको भी मैं काट ली हूँ, और हमें चाहिए लहसुन और अदरक, इसको मैंने दरदरा क्रश कर लिया है थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच ऑयल, और इसको गर्म होने देंगे। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूँगी, और 1 तेज़पत्ता। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। डालकर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। हरी मिर्च भी मैं ऐड कर दूँगी इसी टाइम, और इसे चला करके थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तब हम प्याज डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन और अदरक हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, प्याज को मैं इसी में अब ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स जो मैंने काट कर रखे हैं। और मैं मटर भी इसी में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, टमाटर भी डालकर हमें इसे चला करके 2 मिनट के लिए ढक करके पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सब्जियों को अच्छे से भून लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल, चावल को मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और दाल भी, ये मैं दाल और चावल दलिया को अलग अलग धो करके रखा था, आप एक में मिला करके भी धो के रख सकते हैं। और इसको भी, दलिया भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अब हम इसे चला करके थोड़ा मिला लेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, मैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर इसी में ऐड कर दूंगी, और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल करके मसाले को अच्छे से पका लूंगी। इस तरह से मिला के हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा भुन गया। मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया और चला करके अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसका ढक्कन लगा करके हमें 3 सीटी आने तक इसे पका लेना है। मैं ढक्कन लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 सीटी आ गई। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि कैसा बना है, देख लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट खिचड़ी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए आप, चावल कितना खिला खिला सा दिख रहा है। ये बिल्कुल चावल खिला खिला सा दिख रहा है। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है, बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें से। तो फ्रेंड्स अब चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। अब मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लूँगी घी का। मैंने एक चम्मच, बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी और इसमें मैं जीरा डाल दी हूँ। जीरा डाल करके अच्छे से इसको चटका लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स हमारी वेज खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है। कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।